हेलो गाइस, वेलकम टू एल चैनल। मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की साइंस के चैप्टर 2, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल। हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर किस तरह से फूड जो है वो प्रिपेयर होता है और किस तरह से वो एब्जॉर्ब करता है, किस तरह से ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। आज हम बात करेंगे एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर। यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड कर लिया या फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, लेकिन जो एनिमल होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। एनिमल जो है वो अपना फूड कहाँ से गेट करते हैं, कहाँ से मिलता है उनको? प्लांट से, आइदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली हम दोनों ही तरह से प्लांट के ऊपर डिपेंड है या फिर एनिमल के ऊपर डिपेंड है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल रिकॉल डेट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है। और वो जितने भी एनिमल्स हैं, वो कुछ जो एनिमल्स हैं वो प्लांट को ईट करते हैं और कुछ जो एनिमल्स हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को ही ईट करते हैं। अगर वो ये फूड को टेक करेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी और उनकी जो बॉडी है, अगर कहीं पे चोट लगती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उनकी बॉडी भी रिपेयर होती है। तो अब देखते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है। न्यूट्रिएंट हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे जो प्रोसेस है किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, हमारी जो बॉडी है कहाँ पर हमारा जो फूड है वो स्टोर हुआ रहता है और कहाँ से हम उसकी एनर्जी को गेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है चैप्टर में। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट ट्राई टू रिकॉल अ लिस्ट ऑफ देम बिलो। तुमने क्लास 6 तो में पढ़ा था कि फूड के अंदर बहुत तरह के कंपोनेंट होते हैं, वो तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब बात करते हैं आगे। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जैसे हमारे कंपोनेंट है फूड के, एक एग्जाम्पल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स है। अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाती है, सो दे आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल सब्सटेंस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इंटू सिंपल सब्सटेंस। अब जरा देखो, जो हमारी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट तो ले लेती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो उसको वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो क्या करती है, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अलग अलग सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर लेती है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्लियर? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्लियर? अब आगे हम बात कर लेते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके हैं जिससे हम फूड टेक करते हैं। तो देखते हैं, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें फूड टेकिंग की जो प्रोसेस होती है अलग अलग होती है। बीज एंड हेमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट इन्फेंट ऑफ हुमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। अब जो बीज और जो हमिंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर होते हैं जो प्लांट के ऊपर वाला जो तना होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, उसको लेते हैं, जबकि अदर जो हुमन और अदर एनिमल्स हैं वो मदर मिल्क वाले जो हैं उनको लेते हैं। जैसे और स्नेक की बात कर लेते हैं, स्नेक लाइक पाइथन, श्वेलो, द एनिमल दे प्रे अपॉन सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो एनिमल्स हैं, जैसे कि कुछ जो रेप्टाइल्स है, स्नेक है, पाइथन है, इसमें से ये क्या करते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को अपने अंदर ले लेते हैं और फ्लोटिंग करने लगते हैं, एक तरह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं या बेंड करते हैं अपने बॉडी पार्ट को। अब देखते हैं हमारी एक्टिविटी 2.1। तो देखते हैं क्या एक्टिविटी में, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ
फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा फूड टैग करते हैं और ये जो एनिमल दिए हैं उस चार्ट के अंदर किस तरह से वो काम करते हैं, कौन सा तो वो फूड लेते हैं और उनका जो मोड होता है वो क्या होता है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। अब हमें यहाँ से उनका मोड पता चलेगा कि किसका कौन सा मोड होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं जैसे स्क्रैपिंग, चिविंग, शॉपिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, स्पॉन्जिंग, शकिंग। जैसे हमिंग बर्ड या हुमन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो च्यूइंग का होता है वो पहले क्या करते हैं, फूड को एकदम से इस छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो ये टेबल आपको फिल करना है। फिर इसके आगे हम देखते हैं क्या है, तो इसके आता है हमारा 2.2, या फिर पहले हमारा ये जो बॉक्स है इसको हम रीड कर लेते हैं क्या है इसमें अमेजिंग फैक्ट में। तो देखते हैं, स्टार फीड फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स आउट स्टोमक सो इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इन साइड द सेल, द स्टोमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। अब ये देखते हैं हम यहाँ पर स्टार फिश किस तरह से टैग करती है। तो स्टार फिश जो होती है उसकी जो सेल होती है उसकी जो आउटर पार्ट है, जैसे कि ये जो पार्ट है बाकी के, ये किससे बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब जैसे ही उसके पास कुछ एनिमल आता है, कुछ सॉफ्ट एनिमल आता है, तो ये क्या करते हैं अपने इस माउथ को ओपन कर लेती है, जो स्टोमक है उसको ओपन कर लेती है और वहां पे उस एनिमल को टैग कर लेती है और फिर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करती है। ये स्टार फिश की प्रोसेस हो गई कि वो किस तरह से फूड को टैग करती है। अब देखते हैं हम 2.2 में क्या है, तो बी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हमारा जो खाना है हम माउथ की हेल्प से अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं, हम उससे एनर्जी गेन करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, और जो अनयूज पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कि कोई सा हमने फूड टेक किया उसको यूटिलाइज कर लिया, अब जो बेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, अभी तक तुमने कभी सोचा है ऐसा कि जो हमने खाना लिया है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस करता है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल, हमारा जो फूड है माउथ के थ्रू अंदर जाता है, फिर एक कैनल होती है उसके थ्रू और अंदर तक वो जाता है, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एट द एनस, जो कहाँ से इंटर करता है, माउथ से करता है, लेकिन माउथ का सबसे अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा बक्कल कैविटी, जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा बक्कल कैविटी, और यहाँ से इंटर करके लास्ट में वो कहाँ चला जाता है, हमारे एनस में चला जाता है, जहाँ से हम उसको रिमूव कर देते हैं। क्लियर, अब इसके आगे देखते हैं। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इन टू वेरियस कंपोनेंट, अब जो हमारी बक्कल कैविटी है या फिर जो हमारी कैनल है जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से लेकर डाउन पार्ट तक हमें कनेक्ट करती है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्ट करती है उसमें भी बहुत सारे जो पाइप है वो इंक्लूड हैं। तो कौन कौन से है देख लेते हैं। सबसे पहला जो है बक्कल कैविटी, जहाँ से फूड क्या होता है इंटर होता है। सेकेंड है फूड पाइप और ओएसोफेगस, फूड पाइप वो है जहाँ से माउथ इंटर करता है फूड को और फिर फूड पाइप उसको अंदर लेके जाता है, अंदर कहाँ लेके जाएगा तो वो स्टमक के अंदर उसको लेकर जाएगा। थर्ड पार्ट हो जाएगा स्टमक, फोर्थ पार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से उससे एनर्जी को रिसीव किया, फिर जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में और एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, लास्ट में फिर वो जाएगा रेक्टम में और रेक्टम के बाद वो कहाँ चला जाएगा, एनस, और वहां से हम उसको रिमूव कर देंगे। क्लियर, दिस पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, और इन सारे पार्ट को, बक्कल कैविटी को, फूड पाइप को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, रेक्टम को, एनस को, इन सभी को मिलाकर कंबाइनली हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, क्योंकि जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है उनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब उसके आगे देखो, द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, जो हमारा फूड है वो अलग अलग कंपार्टमेंट या अलग अलग पाइप में ट्रेवल करता है और अलग अलग प्रोसेस वहां पर वो फॉलो करता है। द इनर वाल सब्सटेंस या फिर द इनर वाल ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड,
लीवर एंड द पैनक्रियास सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब जो हमारा फूड है, माउथ के थ्रू हमारे जो ओएसोफेगस है, जो फूड पाइप है, उसके थ्रू हमारे स्टोमक में तो चल गया, लेकिन उसके बाद वो जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होता है। तो वो ब्रेक जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के ग्लैंड है या अलग अलग तरह के जूस है उसकी हेल्प से होता है। जैसे हम माउथ के अंदर लेते हैं तो हमारी जो टंग होती है वहां पर उसको एक लार या फिर एक जूस जो है वो मिलता है, जिससे वो मिक्स हो जाता है और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होने में हेल्प होती है उसको। वैसे ही वो हमारे स्टोमक में जाता है, फिर वहां पर जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर देता है। जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है वो जो हमने फूड लिया है वो कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल पार्ट में ब्रेक कर देगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है और जो उसके पार्ट्स हैं उससे मिला के क्या बन जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। आगे हम देखते हैं, नाउ लेट अस हाउ नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा, हमने ये तो देख लिया कि पूरे जो अलग अलग फूड पाइप है, बिन पाइप है, इन सबको हम कंबाइन करके एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट क्या काम करता है, अब ये भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो समझते हैं ध्यान से, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। सबसे ऊपर वाले हिस्से से ही स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा माउथ और बक्कल कैविटी। तो ये क्या काम करता है, फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड है हमारा वो किसकी हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमारे माउथ की हेल्प से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे माउथ के अंदर इंटर करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। क्लियर, आगे देखते हैं। अब बी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इन टू स्मॉल पीसेस। फिर जो फूड हमने लिया है उसको हम चबाते हैं और टीथ जो हमारे होते हैं उसकी हेल्प से उसको, जो बड़ा हिस्सा है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, स्मॉल पीसेस में उसको हम बना लेते हैं। ईच टूथ इज रोटेट इन सेपरेट सकेट इन द गम्स। और जो हमारे टीथ होते हैं या टूथ होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर मोशन में रोटेट होते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम भी दिया है कि कौन से टीथ कहाँ पर होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, उनको भी हम देखेंगे डिटेल में। आगे हम देखते हैं, अवर टीथ वेरी इन अपेरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवेन डिफरेंट नेम। हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। इसी तरीके से उन जो टीथ हैं उनकी फंक्शन की एक्टिविटी या उनके वर्क की एक्टिविटी पे हमने उनको डिवाइड कर दिया है, हमने उनको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो एक्टिविटी 2.2 को समझते हैं, वॉश योर हैंड लुक इन टू द मिरर एंड कोट योर टीथ। अब तुम्हारे हाथों को तुम्हें साफ कर लेना है और मिरर के अंदर देखना है तुम्हारे टीथ को। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अब तुम्हारी जो इंडेक्स फिंगर है उसको, उससे फील करना है टीथ को। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे जो माउथ है उसके अंदर कितने तरीके के टीथ हैं। टेक अ पीस ऑफ एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट। अब तुम्हें एक पीस ले लेना है एप्पल का और एक ब्रेड का और उसको ईट करना है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बिटिंग एंड कटिंग एंड विच वन फॉर पेयरिंग एंड टीयरिंग, ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब तुम्हें देखना है कि कौन सा ऐसा टीथ है जो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, कौन सा ऐसा टीथ है जो उसको छोटे छोटे ग्राइंडिंग या मिक्सिंग करने में हेल्प करता है, कौन सा टीथ है जो च्यूइंग करने में हेल्प करता है, और यहाँ पर तुम्हें फिर उस टेबल के अंदर उसको फील करना है। दो तरह के पार्ट है हमारा, ऊपर लोअर जा और अपर जा। अब तुम्हें देखना है कि कौन सा टीथ कहाँ पर है और कौन सा टीथ क्या काम करता है। क्लियर, ये टेबल आपको फिल करनी है। फिर देखते हैं हमारे चैप्टर में नेक्स्ट क्या है। तो फिर आता है हमारा एक्टिविटी 2.3। तो देखते हैं इसमें क्या है 2.3 में। टेक टू टेस्ट ट्यूब लेवल देम ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट वन वन टी स्पूनफुल। अब तुम्हें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब ले लेनी है ए और बी। एक में तुम्हें यहाँ पर टी स्पूनफुल रखना है और एक के अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देना है। क्लियर, अब उसके आगे देखेंगे कि कैसी क्या प्रोसेस होती है इस काम में। तो समझते हैं,
आप पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, एक के अंदर तुम्हें जो राइस है उसको बॉइल्ड करके डाल देना है। इन द टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। और एक जो हमारी ट्यूब है उसके अंदर हमें बॉइल्ड राइस जो च्यूइंग कर ली है हमने, जो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लिए उनको डाल देना है। एट 3 to 4 ml ऑफ बटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हें 3 से 4 ml बटर डाल देना है। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमारे पास दोनों में राइस है, एक में सिंपल राइस है, एक में हमने च्यूइंग करा हुआ राइस है। दोनों में 2 से 3 to 4 ml वाटर डाल देना है। फिर उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स हमें आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है। वाई इज देयर इज अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। अब तुम देखोगे कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें कलर जो है वो चेंज हो गया है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। अब ये जो कलर चेंज हुआ है ये क्यों हुआ है इसका आपके टीचर के साथ इसका डिस्कस करना है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो कलर चेंज हुआ है वो किस लिए हुआ है, क्योंकि जो च्यूइंग करा हुआ फूड था उसमें बहुत सारे जूस जो है वो मिल गए थे, जबकि जो हमारा बॉइल्ड राइस था उसमें कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इंटू शुगर। और जो सलाइवा होती है वो हमारी जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देती है। अब आगे देखते हैं। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। अब जो हमारी टंग होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और जो कि हमारे बक्कल कैविटी के जो बक्कल कैविटी है उसी से अटैच्ड है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारी टंग होती है वो फ्री होती है और चारों डायरेक्शन में मूव कर पाती है, अपर लोअर साइड और राइट साइड भी। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या तुम्हें पता है कि जो टंग है उसका क्या फंक्शन है? तो ध्यान से समझते जाओ फंक्शन क्या है। जो हमारी टंग है उसका टेस्ट करना। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, बेसाइड इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। जो हमारी टंग है वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो जूस है, सलाइवा जो है, जो भी हमने फूड सब्सटेंस लिया है उसको मिक्स करने में उसके साथ हेल्प करती है, वो च्यूइंग करने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। और हमारी जो टंग है उससे हम टेस्ट भी कर सकते हैं फूड को। तो दो उसके फंक्शन है, एक तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर फूड को कॉम्प्लेक्स पार्ट से स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना और दूसरा टेस्ट करना फूड का। इट हैज टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। जो हमारी टंग है उससे हम अलग अलग तरह का टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो टंग है वो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो देखते हैं कि किस तरह से एक टेस्ट करेगी वो एक्टिविटी 2.4 में। तो समझते हैं एक्टिविटी 2.4 को। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ। अब तुम्हें सैंपल ले लेने, एक ले लेना है शुगर सॉल्यूशन, एक ले लेना है कॉमन सॉल्ट, दूसरा ले लेना है लेमन जूस और एक ले लेना है जूस ऑफ क्रस्ड नीम लीफ ऑन बिटर गार्ड। जो कड़वी नीम की पत्तियां होती है एक उसका जीस जूस जो है वो आपको ले लेना है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेस्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। अब तुम्हारे जो फ्रेंड है उसको आंखों को क्लोज कर देना है और तुम्हें उसको टेस्ट करवा के दिखाना है। पहले तुम किसी का भी दिखवा सकते हो, शुगर सॉल्यूशन या कॉमन सॉल्ट या फिर लेमन जूस, और उससे बताना है कि तुम्हारी जो टंग है उसको एकदम स्ट्रेट रखो फ्लैट पोजिशन पर और इनका टेस्ट करो। थर्ड है, यू यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबोव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग एज शोन इन फिगर। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। अब क्या करना है, जो टूथपिक है जो एकदम साफ कर लेना उसको, और उसी के हेल्प से तुम्हारी टंग के अलग अलग पार्ट में उसको टेस्ट करवाना है। जो हमारी टंग है उसके अलग अलग पार्ट में उसको फील करवाना है, जो भी तुम्हारा फ्रेंड है। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी एंड श्योर एंड बिटर सब्सटेंस। और फिर जो तुम्हारा फ्रेंड है उससे पूछना है कि कौन से पार्ट में किस तरह की फील तुम्हें हुआ है, फिर वो तुम्हें पूरी की पूरी चीजें डिटेल में बता देगा कि यहाँ जो पार्ट है उसमें हमें बिटर टेस्ट आया था, यहाँ जो पार्ट है उसमें हमें श्योर टेस्ट आया था,
लेमन जूस का टेस्ट आया था, जिस तरह का भी आप उसको टेस्ट करवाओगे वो वहां पर बता देगा। और ये सारी जो रीडिंग है आपको अपने बुक में नोट कर देनी है। क्लियर। अब हम बात कर लेते बक्कल कैविटी, हमने या माउथ की तो बात कर ली, अब हम उसके आगे वाला पार्ट देखते हैं जो कि हमारा फूड पाइप, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ओएसोफेगस। तो क्या होता है इसको समझ लेते हैं। द स्वेल्ड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। अब हमारा जो स्वेल्ड फूड है जो हमने च्यूइंग कर लिया है वो कहाँ से पास होगा, हमारे फूड पाइप से या फिर ओएसोफेगस, दोनों एक ही चीज है, वहां से वो पास होगा। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, जो हमारा फूड पाइप होता है हमारे नेक से स्टार्ट हो जाता है और डाउनवर्ड जाता है। देखते हैं कहाँ से, जैसे कि यहाँ से हमने फूड लिया और यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ओएसोफेगस या फिर फूड पाइप। क्लियर। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, क्लियर समझ जाओगे इसमें। अब देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस क्या है, तो समझते हैं ध्यान से। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द स्टमक। हमारा जो फूड पाइप है वो कौन कौन से पार्ट को कनेक्ट करता है, तो नेक से लेकर हमारे चेस्ट के अंदर से वो हमारे स्टमक के पास चला जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑफ द फूड पाइप, और जो फूड पाइप है उसके मूवमेंट की हेल्प से जो हमारा फूड है वो डाउनवर्ड मूव होता है। एक्चुअली द मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड। लेकिन जो हमारा फूड है वो एक्चुअली में पूरे एलिमेंट्री कैनल में मूव करता है और डाउनवर्ड धीरे धीरे मूव करता है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड वॉमिटेड आउट। अगर कभी ऐसा होता है कि जो हमारा फूड है जो स्टोमक है हमारा उसको टेक नहीं करता है, जो भी हमने फूड ले लिया या ज़्यादा लेवल में ले लिया तो हमारा स्टोमक उसको टेक नहीं करेगा, तो फिर हमें वॉमिटिंग होने लगेगी और फिर उसी फूड पाइप की हेल्प से हम उस फूड को रिमूव कर देंगे। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। अब तुम्हें डिस्कस करना है कि ऐसा कौन सा टाइम हुआ था जहाँ पर तुम्हें वॉमिटिंग हुई थी, या फिर तुमने ज़्यादा कुछ खाना खा लिया होगा, या फिर तुमने ऑयली फूड खा लिया होगा उसी की वजह से तुम्हें वॉमिटिंग होने लगी होगी। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की जो कि है स्टोमक। तो समझते हैं क्या है स्टोमक। द स्टोमक इज अ थिक बाल्ड बैग, जो हमारा स्टोमक है वो एक थिक बॉल्ड बैग है, हमारे एक बैग की तरह है। इट इज शेप लाइक अ फ्लेटेड जे, और इसका जो शेप होता है वो हमारा एक जे की तरह होता है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, हमारा स्टोमक है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द अदर। अब जो स्टोमक है हमारा जो फूड पाइप है उससे फूड को टेक करता है और फिर दूसरे एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन को ये सेंड कर देता है उसी फूड को। पहले तो डाइजेस्ट करेगा वो वहां पर और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को सेंड कर देगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सेक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा स्टोमक होता है उसके इनर पार्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है, जो क्या करता है इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंस में या स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट इंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टोमक एसिड कैन हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो फूड के साथ हमने बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर चल गए हैं उन सभी को ये डिस्ट्रॉय कर देगा और जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें भी हेल्प करेगा। तो द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इंटू सिंपल सब्सटेंस, और जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस पर ब्रेक कर देगा। क्लियर। ये हो गया हमारा स्टोमक। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की जो कि है द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो समझते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड कॉइल्ड एंड इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक कॉइल्ड की तरह होती है और लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सीक्रेट फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, बेसाइड इट वाज आल्सो सेक्रेटेड जूस। अब ये जो हमारे लीवर होता है और जो पेनक्रियास होती है वहां से क्या करता है, जूस को रिसीव करता है, और ये एक तरह का जूस भी प्रोवाइड करता है जिससे जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होने में हेल्प हो जाते हैं उनको।
अब आगे देखते हैं, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन और द राइट साइड। अब हमारी जो लीवर है वो एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है जो कि हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में और राइट साइड पर सिचुएटेड है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और जो लीवर है हमारी बॉडी का, अगर कोई सा सबसे बड़ा ग्लैंड है तो वो हमारी बॉडी का लीवर ही है। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सेक कॉल्ड द गैल ब्लेडर। और जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी को बाइल जूस देता है जो कि गॉल ब्लेडर के पास स्टोर्ड रहता है। द बाइल जूस प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। और जैसे कि तुम्हें पहले ही बताया है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में अलग तरह का जूस होता है, प्रोटीन को ब्रेक करने में अलग तरह का जूस होता है, तो वैसे ही जो फैट होती है उसको ब्रेक करने के लिए कौन सा जूस यूजफुल होता है, तो बाइल जूस यूज होता है जो कहाँ से प्रोवाइड होता है, गॉल ब्लैडर से होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। और जो पैनक्रिया है वो एक क्रीम कलर्ड में है और जो कि हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू सिंपल फॉर्म। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो सारे के सारे जो कंपोनेंट है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सभी कंपोनेंट को ब्रेक करने में हेल्प करती है। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देती है। तो इसके आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है या नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, हमारे स्टोमक के लोअर एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाएगा। वेयर द इंटेस्टलाइज जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। और वहां पर जो एक और तरह का जूस प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस, वो जितना भी हमारा फूड सब्सटेंस है जो डाइजेस्टेड फूड है उससे सारी की सारी जो एनर्जी है वो रिसीव कर लेगा और जितने भी कंपोनेंट है उसको गेन कर लेगा। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इंटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर में या फिर उसके छोटे वाले पार्ट ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा या फिर ग्लिसरॉल में कर देगा, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो हमारा फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि अगर वो शुगर का है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमने फैट वाला सब्सटेंस लिया है तो या तो वो फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, या हमने ऐसा फूड लिया जिसमें प्रोटीन है तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ पर होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो देखते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेस इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी ब्लड वेसल की हेल्प से इंटेस्टाइन या फिर अलग अलग पार्ट्स में फ्लो होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जो फूड है उसको अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे फूड कंपोनेंट ग्लिसरॉल है या फिर फैटी एसिड या एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया और इसी को हमारी जो ब्लड वेसल है वो एब्जॉर्ब करती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड दिस आर कॉल्ड बेली। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का एक ऑर्गन होता है या फिर हम बॉल बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं विली, और उसका काम होता है उस जो हमारे कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्ब करना। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे कि जो विली है उसका क्या रोल है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विली है लेकिन उसका रोल क्या है। तो द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होती है वो क्या करती है, हमारा जो सरफेस एरिया है फूड एब्जॉर्प्शन का उस सरफेस एरिया को बढ़ा देती है और डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट भी होने लगती है। ईच बेलीज हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन ए स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। और हर एक बेली जो होती है उनका कनेक्शन किसके साथ होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल है उनके साथ होता है। द सरफेस ऑफ द बेली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो बेली की सरफेस होती है वो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी को रिसीव करती है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर
अंश इज सपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब जो हमारी बेली होती है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल पार्ट में भी ब्रेक करने में हेल्प करती है, और जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है काफ़ी, तो वो भी सेंड करती है। यानी कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो कौन रिसीव करती है, तो वेली रिसीव करती है, और बेली के अंदर जो ब्लड वेसल है वो हर एक पार्ट में उसको सेंड करती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसी इस सेल की हेल्प से जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी जो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो ग्लूकोज है उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, यानी कि जो वेली है वो क्या करता है, सारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। आगे देखते हैं द फूड डेट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जर्व एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भी फूड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या फिर जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, या हमने उससे एनर्जी नहीं लिए, वो हम सेंड कर देते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और अब इसी को हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से वर्क करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा लार्जर इंटेस्टाइन है वो वाइडर तो है, लेकिन हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे काफ़ी शॉर्ट है, ये लगभग 1.5 मीटर का ही है, जबकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर का है। तो अगर एग्जाम में आए कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है या लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है और कितना, 7.5 मीटर होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होता है। आगे देखते हैं इट इज फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और इस लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर को टैग करना और उससे जो सॉल्ट है उसको लेना। द रिमेनिंग वेस्ट प्रोसेस इन टू द रेक्टम एंड द रिमेन्स देर आर सेमी सॉलिड फीसेस। अब बाकी का जो फूड है या रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा है वो रेक्टम में चला जाएगा एंड रिमेन्स देर सेमी सॉलिड फीसेस द फेशियल मेटल इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम दिस इज कॉल्ड इजेशन। और बचा हुआ जो फूड है वो रेक्टम, रेक्टम से फिर वो एनस में चला जाएगा, फिर एनल से हम उसको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहेंगे, और जो रिमूवेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं इजेशन। क्लियर। अब देखते हैं हमारा पॉइंट नेक्स्ट जो कि है 2.3, तो देखते हैं क्या है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब हम उन एनिमल की बात करेंगे जो ग्रास को ईट करते हैं, तो उनमें किस तरह से जो प्रोसेस है वो होती है, तो समझते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउ बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल। अब तुमने देखा होगा जैसे काउ को या बफेलो को या फिर ऐसे एनिमल को जो ग्रास को ईट करते हैं, चिविंग कंटिन्यूसली इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग। वो जो चबाने की जो प्रोसेस है उनकी वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, अगर वो खाना खा रहे हैं तब तो करेंगे ही, लेकिन खाना खाने के बाद भी वो चिविंग की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यूसली करते हैं, तो क्यों करते हैं वो उसको भी समझ लेते हैं। दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर्ड इन अ पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रूमेन। अब जो हमारे एनिमल होते हैं वो अपना जो फूड है या जो ग्रास है उसको जल्दी से खा लेते हैं, लेकिन वो उसको स्टोर करके हम एक पार्ट में रखते हैं ये स्टोमक में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं रूमेन। हैज द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कड। और फिर यहाँ से जो फूड है वो पार्शली धीरे धीरे करके वो डाइजेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ एंड स्मॉल लम्ब्स एंड द एनिमल च्यूज इट दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। अब देखो हमारे यहाँ पर एक डायग्राम शो हुआ है, तो हम समझ जाते हैं डायग्राम के हेल्प से। जैसे ही ये हमारी काऊ है, काऊ ने ग्रास को ईट कर लिया, वो काऊ जो है वो उस ग्रास को जल्दी जल्दी ईट करेगी और कहाँ पर पहुँचा देगी, उसके रूमेन में पहुँचा देगी, लेकिन ये जो फूड है उसको वहाँ पर वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है या छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर स्टोर करेगी, लेकिन वो वापस इसी फूड को अपने माउथ के पास लेके जाएगी जब वो फ्री रहेगी, जब उसके पास ग्रास नहीं रहेगा, और फिर वो छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक करेगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जूमिनेशन। और
और उस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं जुमिनेंट एनिमल। क्लियर। अब आगे देखते हैं, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस। जो हमारा ग्रास होता है उसके अंदर सेल्यूलोस का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा होता है, और ये सेल्यूलोस जो है वो एक तरह का हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है। इन जुमिनेंट लाइक कैटल डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन जुमेन। जैसे कि एनिमल हो गए हमारे, डियर हो गए, या फिर छोटे छोटे जो कैटल्स होते हैं वो हो गए, उनमें एक तरह का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनके रूमेन के अंदर, और वो किस तरह से हेल्प करता है उसको हम देखते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। जो एनिमल्स होते हैं डियर हो गए, वो रूमेन, उनके रूमेन के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वही बैक्टीरिया इनके जो सेल्यूलोस है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, या डाइजेशन जो है उसमें हेल्प करता है। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। बहुत सारे एनिमल है, और जैसे उसमें ह्यूमंस भी आते हैं, जो सेल्यूलोस को डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एनिमल लाइक हॉर्सेस रेबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम बिटवीन द ओएसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ जो एनिमल है जैसे कि हॉर्स हो गए रेबिट हो गए, उनका जो एक और स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम, जो कि उनके ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज द सेल्यूलोस ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। और जो हमारा जो ग्रास का जो फूड है उसको एनिमल टेक करते हैं, तो उसका जो ब्रेकिंग का पार्ट है वो बैक्टीरिया की हेल्प से ही होता है, और इस तरह के बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते तो वो ग्रास को एब्जर्व नहीं कर पाते। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच पासेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि एनिमल में किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है, तो देखते हैं। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनिमल जो होते हैं हमारे, जैसे काऊ हो गए बफेलो, इनके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसके अंदर ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो किस तरह से फूड प्रोटेक्ट करेंगे उसको भी हम देखेंगे। एनिमल तो ह्यूमन की ही तरह पूरा का पूरा जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। देन अब हम बात करेंगे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ना ही माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो किस तरह से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो देखेंगे। हाउ दे रिक्वायर्ड इन डाइजेस्ट फूड द सेक्रेशन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसी तरह के एनिमल को, तो 2.4 में हमारा एक एनिमल है जो कि ऑर्गेनिज्म फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा। अमीबा के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होती है, तो ध्यान से समझते जाइए। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये यूनिसेल्यूलर है, एक ही तरह की सेल से बना हुआ है, और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, पॉन्ड वाटर, जो तालाब का पानी है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पानी भरा हुआ वहां पर हमें देखने को मिला है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल। इसके अंदर एक डेंस न्यूक्लियस होता है, राउंडेड न्यूक्लियस, और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। और साइटोप्लाज्म भी होता है अमीबा के अंदर, जिसकी हेल्प से वो अपना शेप और पोजिशन कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोपोडिया। इसी तरह के ये प्रोजेक्शन बनाता रहता है, उस तरह के प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं सुडोपोडिया, और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। और ये जो सुडोपोडिया है यहीं से वो फूड को कैप्चर करता है। क्लियर। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा अमीबा का डायग्राम है, इसका यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है हो गया है न्यूक्लियस, और बाकी के ये छोटे छोटे पार्ट हो गए सुडोपोडिया हो गए, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसका हो गया। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं इसी के पार्ट के बारे में, तो किस तरह से एब्जॉर्ब करता है। अमीबा फीड इन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से हेल्प से ही देख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको फूड की सेंस होती है, इट पुशेस आउट सुडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। जब इसको लगता है कि उसके आसपास कहीं पर फूड है, तो इसके सुडोपोडिया को ओपन करता है और उस फूड पार्टिकल को ये कवर कर लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इनटू फूड वैक्यूल, और जो फूड वैक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है वो उस पूरे फूड को ट्रैक कर लेते हैं। आगे देखते हैं,
डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल, और जो उसके अंदर जो फूड वैक्यूल प्रेजेंट है वो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इन सिंपल सब्सटेंस, और फिर वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, और ये जो उसने फूड सब्सटेंस लिया है उसकी कहाँ पर हेल्प करेगा, ये फूड सब्सटेंस उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, और उसकी मेंटेनेंस को मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब जल्दी से उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, अगर कहीं पर उसको चोट लगी है तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। द अनडाइजेस्टेड रिजाइड ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और वैक्यूल की हेल्प से ही वो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देगा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल, जितने भी ज़्यादातर जो एनिमल है उनमें जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक ही तरह की है, लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग तरह की होती है। हमने यहाँ पर अमीबा के अंदर देख लिया कि वो फूड वैक्यूल की हेल्प से फूड को ट्रैक करता है और फिर इसी वैक्यूल की हेल्प से फूड को रिमूव कर देता है, इसके अंदर माउथ या इस तरह का कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, आगे वाले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमने जो फूड लिया है वो हर एक पार्ट में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, जो एनर्जी है वो हर एक पार्ट में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। हमने ये तो देख लिया था कि जो ह्यूमन होते हैं उसके अंदर वेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो वेली क्या करता है, ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, वो एनर्जी को सेंड करता है। तो हम हर एक पार्ट को देखेंगे किस तरह से सेंड करता है। तो हमारे कीवर्ड दिए एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, अमीनो एसिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं, कौन से टीथ होते हैं, कितने तरह के टीथ होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर देखा है। तो हमारे चार तरह के टीथ होते हैं, जैसे कि मोलार, प्री मोलार, इंसीसर और कैनिंग, जैसे इंसीसर यहाँ पर दिया हुआ है और कैनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ये चार तरह के हमारे टीथ होते हैं। इंजेशन की प्रोसेस हमने देखी, सेल्यूलोस क्या होता है ये देखा, डाइजेशन क्या होता है। अब इसके हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या लर्न किया है उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, जितने भी एनिमल है न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है उसमें उनको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रहते हैं, फूड को टेक करते हैं और उसको यूटिलाइज वो करते हैं। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है कंबाइनली कॉल्ड, हम उसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनल, लेकिन जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है उसमें अलग अलग तरह के पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो बक्कल कैविटी है, ओएसोफेगस या हमारा फूड पाइप है, फिर स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है, लास्ट वाला पार्ट एनस है, फिर है द मैन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस आर। अब कौन कौन से ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो जूस को सेक्रेट करते हैं, तो एक है सलाइवरी ग्लैंड, एक है लीवर, एक है पैनक्रियाज जो कि पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, और स्टोमक भी है जिसमें वाल प्रेजेंट है, वहाँ पर अलग अलग तरह के जूस सेक्रेट करता है, जैसे कि एक डाइजेस्टिव जूस, और हमने एक एसिड भी देखा था जो कि एसिटिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, द मोड ऑफ डिफरेंट फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो फूड टेक करने की प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो अलग ही तरह की, उसमें पांच प्रोसेस इन्वॉल्व है, इंजेशन जहाँ से फूड टेक करते हैं, डाइजेशन जहाँ से ब्रेक करते हैं, एब्जॉर्प्शन जहाँ से हम एनर्जी को टेक करते हैं, एसिमिलेशन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट बच गए हैं उससे वापस एनर्जी को टेक करना, और इजेशन मतलब उस जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना। आगे वाला देखते हैं क्या है पॉइंट, तो पॉइंट है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बैगिंस इन द बकल कैविटी, जैसे कि कुछ जो फूड प्रोडक्ट है जैसे कार्बोहाइड्रेट उसका जो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होने की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक, और जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। द बाइल सेक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, द पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम इट्स पैनक्रियास एंड डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टिनल वॉल, जो बाइल जूस है वो लीवर से सेक्रेट होता है, पैनक्रेटिक जूस पैनक्रियास से होता है, जबकि डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारे इंटेस्टिनल वॉल से होता है, और ये सारे जो जूस है वो अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करते हैं और पूरे फूड से हम एनर्जी टेक कर लेते हैं, मतलब ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो डाइजेस्टिव फूड है वो बेली में जाता है, बेली से हमारी जो
ब्लड वेसल उससे रिसीव कर लेती है। उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वाटर एंड सम सॉल्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लेती है और वहाँ पे वो वाटर और सॉल्ट को मिक्स करती है उसके साथ, और उससे भी एनर्जी वो यूटिलाइज करती है, और बाकी का आप जो बचा हुआ पार्ट है उसको वो रेक्टम में सेंड कर देता है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेसिड्यूज आर एक्सपायर्ड आउट ऑफ द बॉडी एंड फेसेस थ्रू द एनस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो एनस के थ्रू से हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउ बफेलो एंड डियर आर नोन एज रुमिनेंट। ऐसे एनिमल जो ग्रास को ईट करते हैं उस एनिमल को हम बोलते हैं रुमिनेंट एनिमल। दिस क्विकली इन इंजेस्ट स्वेलो देयर फ्लीफी फूड एंड स्टोर इट इन द रुमेन। वो जो भी फूड होता है उसको जल्दी से अंदर ले लेते हैं और अपने रूमेन में स्टोर कर लेते हैं, फिर वापस वो अपने माउथ के अंदर लाते हैं उस फूड को और उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। आगे हमने पढ़ा था एमिवा के बारे में तो उसको भी देख लेते हैं। एमिवा इंजेस्ट इट फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और सुडोपोडिया। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। एमिवा जो है अपने सुडोपोडिया के हेल्प से फूड को टेक करता है और फिर वो फूड वैक्यूल की हेल्प से उस फूड को डाइजेस्ट करता है और वैक्यूल की हेल्प से उसको रिमूव कर देता है। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा चैप्टर। अब हम देखेंगे इसका शॉर्ट नोट, ध्यान से समझते जाइए। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो हम इन शॉर्ट नोट में देखेंगे, तो समझते हैं जल्दी से क्या है। तो चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट, जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि उनकी ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहला है हार्बिबोरस। तो हार्बिवोरस क्या होते हैं? एनिमल डेट ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम प्लांट। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम बोलते हैं हार्बिवोरस, जैसे कि काउ हो गई, शिप हो गई, गोट हो गई, डियर हो गया, एलिफेंट, कंगारू, जिराफ एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट से अपना फूड टेक करते हैं उनको हम बोलते हैं हार्बिवोरस। अब बात करेंगे कॉर्निवोरस की। तो ऐसे एनिमल जो फूड टेक करते हैं किलिंग एनिमल से, जो डेथ एनिमल है उनको फूड टेक करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्निबोरस। एनिमल को मारकर फूड को टेक करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्निबोरस। इस तरह के एनिमल हैं टाइगर, लिजार्ड और लायन। अब बात कर लेते हैं ओमनीबोरस। तो ओमनीबोरस क्या होते हैं? एनिमल कंज्यूम प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल एज देयर फूड। ऐसे एनिमल जो फूड प्लांट से भी टेक करते हैं और एनिमल से भी टेक करते हैं उस तरह के एनिमल को हम बोलते हैं ओमनीबोरस। फॉर एग्जाम्पल बियर, डॉग, हुमन भी उसी तरह के हैं। ये हमारा इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करेंगे हम पैरासाइट क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल आदर वाइल लिविंग इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी। ऐसे एनिमल जो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर या फिर किसी भी प्लांट या प्लांट के ऊपर अपनी ग्रोथ करते हैं या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस से एनिमल एनर्जी गेन करते हैं तो उस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं पैरासाइट। और उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि टेपबॉर्म जो या फिर राउट बॉर्म जो होते हैं वो हमारे पैरासाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करेंगे स्क्रवेंजर क्या होते हैं। तो एनिमल विच फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल पेड और प्रेडिटर्स। ऐसे एनिमल जो डेड एनिमल से एनर्जी गेन करते हैं उस तरह के एनिमल को हम बोलते हैं स्क्रवेंजर, जिसमें से वल्चर हो गए, क्रोस हो गए और जैकॉल हो गए। क्लियर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट इज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है उसमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारी बॉडी है उसी न्यूट्रिएंट की हेल्प से यूटिलाइज करके उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी गेन करती है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल और एक सेक्रेटरी ग्लैंड। और जिसके कौन कौन से पार्ट है तो देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनल का सबसे पहला पार्ट है बक्कल कैविटी या फिर माउथ, और इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फिर है हमारा स्टोमक, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे सब फूड कहाँ चला जाता है रेक्टम में और रेक्टम के पास एनस। क्लियर। अब बात कर लेते हैं द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड भी सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ऐसे कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं? तो एक है सेलेबरी ग्लैंड, एक लीवर, दूसरा पैनक्रियास। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। जो स्टमक होता है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो भी डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करती है।
द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म या अलग अलग तरह के एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है या डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, अब जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसमें अलग अलग तरह की स्टेप्स होती है, तो देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन में इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एस्टिमुलेशन होता है और रिजेशन भी होता है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की, क्या है देखते हैं पॉइंट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिंस इन द बक्कल कैविटी, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्च जैसे कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में होता है। जबकि द बाइल सेक्रेट फ्रॉम लीवर, द पेंट जो बाइल हमारा होता है, जो बेली होता है वो बाइल जूस को सेक्रेट करता है, या लीवर जो होता है हमारा बाइल जूस को सेक्रेट करता है, पेनक्रियाज जो होता है वो पेनक्रेटिक जूस को सेक्रेट करता है, और डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारे इंटेस्टिनल वॉल से भी सिक्रेट होता है। ये सारी जो जूस है यही हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। और द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसी को हमारी ब्लड वेसल एब्जॉर्ब करती है, और फिर ये जो प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और हर एक पार्ट में हमारे में फ्लो करने लगता है। आगे देखते हैं द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर होता है और वो ब्लड वेसल की हेल्प से ही होता है। अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उसके साथ वाटर और सॉल्ट मिलता है और उसको भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स से सिंपल पार्ट में ब्रेक करता है, और जितना पार्ट ब्रेक हो गया उससे एनर्जी गेन कर लेगा और बाकी का रेक्टम में सेंड कर देगा। द अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड रेसिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी आर फेसेस थ्रू द एनस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में जो चला गया है उसके बाद वो एनस की हेल्प से रिमूव हो जाएगा टाइम टू टाइम। आगे देखते हैं द ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउ बफेलो एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट, ऐसे एनिमल जो ग्रास को ईट करते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल, और वो जल्दी से जो खाना है उसको स्टोर कर लेते हैं अपने रूमेन के अंदर और वापस उसको रिटर्न लेकर आते हैं माउथ में, और माउथ में फिर वो शांति से च्यू करते रहते हैं। तो हम देखते हैं ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं जब वो खाना नहीं खाते होते तो अपना जो मुंह है वो अप और डाउन करते रहते हैं, च्यूइंग करते रहते हैं, क्योंकि उनने रूमेन में फूड को स्टोर कर लिया था। अब बात कर लेते हैं एमीबा, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो जिसमें ना ही माउथ होता है ना ही अलग पार्ट होते हैं, तो वो किस तरह से अपने फूड को टेक करते हैं, तो उसी में से एक एग्जाम्पल है अमीबा का। तो अमीबा जो है अपने सोडोपोडिया या फूड वैक्यूल की हेल्प से फूड को लेता है और फिर वैक्यूल की हेल्प से उसको रिमूव भी कर देता है। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।